जाता है कि आनंद बाहर है, खुशी बाहर है, सफलता बाहर है, संतुष्टि बाहर है, सुख बाहर है, दुख बाहर है, सब कुछ बाहर है। बाहर का जो जीवन है, बाहर का खेल है, उसको ठीक करने में ही सब लगे हैं। आपको पता है कि भारत दुनिया का सबसे डिप्रेस कंट्री है, सबसे तनावपूर्ण देश है। ऐसा क्यों हुआ? पहले के मुकाबले आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, फिर ऐसा क्यों हुआ? भारत ने हमेशा भीतरी आयाम के ऊपर जोर दिया था। भारत ने बोला था कि जो तुम बाहर, पश्चिम के जगत ने सब कुछ बाहर ढूंढा, जो भारत के बाहर के जो देश है उन्होंने सब कुछ बाहर बाहर ढूंढा। भारत ने बाहर तो किया जो जरूरी था, पर भीतर भी गए और बोला कि सुख, आनंद, संतुष्टि सब कुछ भीतर है। वास्तव में वो भीतर है, बाहर की सुखों की हमने उसका निषेध नहीं किया है, परंतु हमने बोला कि अगर तुम्हें पूर्ण रूप से शाश्वत अखंड अक्षय आनंद चाहिए तो भीतर हो सकता है। तो अपने बच्चों को भीतर जाना भी सिखाओ, क्योंकि इंद्रिया जो है हमारी वो बाहर ही देखती है, उसको भीतर देखने के लिए ध्यान करना पड़ता है। तो थोड़ा भीतर देखना सिखाओ, क्योंकि भीतर देखे बिना कल्याण नहीं है। पूर्ण रूप से अगर समाधान चाहिए तो सब कुछ भीतर ही ढूंढना होगा।